भाई ये सभी मिलकर के राज जी को वंदन करते हैं। Yeah.
के चरण में नमन करते हुए ऐसे ही हमारे डॉक्टर तिलक चैतन्य जी लंदन से साथ में गुरु जी के साथ में आए हुए हैं, उनको भी चरण में नमन करते हुए हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। इस घर के हमारे प्रमुख हमारे राजू भाई भावसार को मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुजन को स्वागत मंतव्य करके फिर हम थोड़ी देर हम डॉक्टर तिलक चैतन्य जी के मुहार में जैसे कुछ आशीर्वचन कुछ वाणी श्रवण करेंगे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम गुरु जी को क्योंकि 4-5 वर्ष हो चुके हैं गुरु जी के मुखारविंद से हम लोग ने ये आशीर्वचन ये वाणी श्रवण करने का अवसर नहीं मिला है। राज्य के कृपा से आज गुरु जी हमारे बीच है तो गुरु जी से ही हम लोग ज़्यादा सुनेंगे। आइए तो मैं राजू भाई अवसर को निवेदन करता हूँ कि गुरु जी को स्वागत मंतव्य करें। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज जैसे दिलीप जी ने बताया है कि पूज्य एक स्वाण श्री मोहन प्रयाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कालिम्पोंग से, जो बातें तो होती रहती थी इंडिया भी दर्शन हुए तो, लेकिन कोविड के बाद आज आए तो हम आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
साथ में श्री तिलक चैतन्य जी भी पधार रहे हैं, जो लंदन से पधार रहे हैं, तो हमें ढूंढवा लाभ मिल रहा है कि दोनों गुरु जी हमारे घर पधार रहे हैं, दो तीन दिन यहाँ पर रहे, तो सबको खूब खूब आशीर्वचन मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि मेरा पुण्य का उदय होता है तभी गुरु जी घर पर आते हैं, तो पिताजी को मिस कर रहे हैं। गुरु जी ने पहले क्वेश्चन वही करा पिताजी का, बट सबका स्वागत है। आप सब लोग भी बहुत शॉर्ट नोटिस में आए, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। एंड हम हर रोज लाभ लेंगे गुरु जी का सुबह शाम। बाद में मैं पूरा कार्यक्रम कभी बताऊंगा। और गुरु जी की भी बहुत इच्छा है कि यहाँ जो 30+ ईयर्स पहले प्रणामी धर्म का प्रचार चालू करा था, पहले सबसे पहले श्री मोहन प्रचार जी महाराज से ही आए थे, एंड दैट्स हाउ वी हैव स्टार्टेड हियर इन USA एंड कैनेडा। तो गुरु जी की बहुत इच्छा है कि वो हम कंटिन्यू करें यहाँ पे, और अपना प्रणामी धर्म का प्रचार बढ़ते जाए, जैसे ऊंचा रहे श्री जी का झंडा, इसी तरह हम लोग बस लगे रहे और प्रचार करते रहे, सभी को इन्वॉल्व करके राजी और श्यामा जी की लीला का भी अनुभव करें गुरु जी की वाणी से, वचनों से। तो अगेन सबका स्वागत है, और मैं अभी शास्त्री जी को विनती करता हूँ कि वो माइक संभाले। प्रणाम। मैं एक भजन बोलूँगा फिर। प्रणाम। यहाँ को श्री राज तुमसे क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे श्री राज तुमसे क्या मांगूं श्री राज तुमसे क्या मांगूं, धन ना मांगूं मान न मांगूं, धन ना मांगूं मान न मांगूं, झूठे जगत की शान न मांगूं, झूठे जगत की शान न मांगूं, देना है सो दे दे दाता, देना है सो दे दे दाता, जपने को निज नाम तुमसे क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं श्री राज तुमसे क्या मांगूं, मांग के झूठा खेल पसारा, मांग झूठा खेल पसारा, भूल गई निज धाम ओ प्यारा, भूल गई निज धाम ओ प्यारा, भटक रही तेरे दर दर अंगना, भटक रही दर दर अंगना, वक्षोधनी श्री धाम
अब मैं क्या मांगूं, वक्षो धनी शेर धाम, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं शेर राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं शेर राज तुमसे, क्या मांगूं, कौन कौन तेरे गुण गावे, कौन कौन तेरी दया का पार न पावे, तेरी दया का पार न पावे, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, ओ प्राणों के नाथ प्यारे, दो भगति निष्काम, अब मैं क्या मांगूं, दो भगति निष्काम, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, केवल चरण शरण में लीजो, केवल चरण शरण में लीजो, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजो, श्रद्धा प्रेम और भक्ति दीजो, जन्म जन्म की दुखियारी का, जन्म जन्म की दुखियारी का, प्रभु करो कल्याण, अब मैं क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं, क्या मांगूं श्री राज तुमसे, क्या मांगूं। आओ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय। आज ह्यूस्टन में बहुत दिनों के बाद आप सबके साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कोविड कोरोना ने कुछ लेट कर दिया और 4-5 साल के बाद आप सबके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग के माध्यम से मिलना, इस मिलने को विशेष महत्व दिया जाता है। व्यवहार के काम से तो हम मिलते ही हैं, अपने अपने बातें करते ही हैं, लेकिन राजजी महाराज के गुणानुवाद के लिए, भजन के लिए और गुरुजी के दर्शन के लिए मिलना इसका विशेष महत्व रखता है। मानव जीवन में कुछ न कुछ लाभ लेना जरूरी होता है, क्योंकि मानव जन्म मिला ही इसलिए है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का चिंतन करना और उनके गुणानुवाद गाना दर्शन से भी अधिक महत्व रखता है गुणानुवाद गाना। क्यों? क्योंकि भक्ति के चार साधन होते हैं,
नाम रूप लीला धाम, ये भक्ति के चार साधन हैं। पहले नाम लिया जाता है, अमुक संत आए हैं, अमुक डॉक्टर आए हैं, नाम सुना जाता है। नाम सुनने के बाद में फिर उनसे मिलने की इच्छा होती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है कि कैसे हैं। रूप, नाम लेने में थोड़ा सा समय लगा और रूप में दर्शन के लिए आए, घंटों बैठे, फिर दर्शन मात्र से हमारी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो फिर क्या चाहिए, लीला, कुछ तो सुनाइए। तो लीला सुनाने में, सुनने में और ज़्यादा समय हमें आनंद मिलता है। लीला परमात्मा की लीला, जितने भी हम गुणगानुपात गाते रहें मन लगता रहेगा, नाम रूप लीला। अब इतने से भी काम नहीं बनेगा, क्यों, लास्ट में कहा धाम, धाम का वर्णन भी होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में हमें शरीर छोड़ने के बाद में तो धाम ही चाहिए, परमात्मा का धाम, परम धाम चाहिए। इसलिए भक्ति के चार साधन माने गए हैं। और उसके बाद मनुष्य को कुछ न कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है, तो जीवन में कोई एक संत चाहिए। संतों के द्वारा हम सीखते हैं, पशुओं के लिए कोई ज़रूरी नहीं। एक भैंस का बच्चा अगर पानी में गया तो वो डूबेगा नहीं, बंदर का बच्चा भी नहीं डूबेगा, लेकिन बिना स्विमिंग सीखे मनुष्य जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सीखना ज़रूरी है, तो उनके लिए सद्गुरु चाहिए, कोई एक संत चाहिए। और संत के गाइड में हम चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद कहते हैं कोई पंथ चाहिए। इतना बड़ा सनातन धर्म होते हुए भी पंथ संप्रदाय भी चाहिए, क्यों, इसलिए संप्रदाय में थोड़ी सी अध्ययन करने की लगन सिखाई जाती है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से काम नहीं बनेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो हमें सिखाया गया प्रगटवाणी, हमें सिखाया गया मेर सागर, और हमें दे दिया गया कि पूरी वाणी आप पढ़ा करो, क्योंकि यही हमारा गाइड है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, इसका मतलब है गाइड। मनुष्य को गाइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, अनेक कामों में लग जाते हैं और मूल लक्ष्य भूल जाते हैं। इसलिए लक्ष्य भूलने से फिर परेशानी आती है। तो बाणी से क्या होता है कि हम अपने घर परिवारों में बच्चों को भी संस्कार दे सकते हैं। बच्चों को संस्कार देना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमारा वो इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है कि हमारे दादाजी ऐसे थे, इतने भक्त थे, इतने बार वाणी पढ़ते थे, और उनके देखते हुए हमने पढ़ा, और हमारे एक्टिविटी देखते हुए हमारे फॉलोवर्स, हमारे जो हैं बालक हैं, बच्चे हैं, उनको हम कुछ सिखाते हैं तो हमारा इतिहास सुधर जाता है। इसलिए जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, और जीवन में एक कंत चाहिए। कंत का मतलब है इष्ट देव, और हमारे तो हैं ही श्री राजी महाराज हमारे इष्ट देव हैं। तो उनका गुणानुवाद गाना, उनका परिचय पाना, तो उनका परिचय संतों ने दिया, करी प्रणाम प्रेम से प्यारो परम धाम को जाना है, परिचय दिया। सात पाताल सात स्वर्ग ऊपर क्षर अक्षर विलगाना है, ये परिचय हुआ। कितना दूर है, इतना दूर। तो परिचय होने के बाद में कोई फिक्र नहीं होता। जैसे हमने गाड़ी चलानी है
तो हमने एड्रेस डाल दिया जीपीएस में, अब कोई परेशानी नहीं, वहीं पहुंचेंगे। ठीक इसी प्रकार से परिचय दिया कि सात पाताल सात स्वर्ग ऊपर तापर सूरत चढ़ाना है। और इस एड्रेस के साथ में जब हम ध्यान करने भी बैठते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से मूल बलावे का परिचय दिया कि हमारी आत्मा संसार में आने से पहले इसी मूल बलावे के अंदर थी और वहीं से संसार में खेल देखने के माया देखने के लिए आए। सिंपल फिलोसफी, निजानंद संप्रदाय में कोई लंबी चौड़ी फिलोसफी नहीं, सिंपल फिलोसफी है। तो इतनी सिंपल होते हुए भी अगर हम किसी को न सुना पाए और अपने बच्चों को न बता पाए तो फिर बताना जरूरी होता है। सिंपल, परम धाम से माया देखने के लिए आए, खेल देखने के लिए आए और यहाँ से शरीर छूटेगा तो जग गए, फिलोसफी खत्म। इतनी सिंपल फिलोसफी है। और दुनिया में जब तक रहेंगे, रहने के लिए भी बहुत सारे बातें हमें बताया गया है। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल यंगेस्ट उम्र में, आर्मी में ज्वाइंट होने की उम्र होती है 18 से 22, 18 से 22 के दरमियान इस उम्र में ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हमारी सोच होती है कि बहुत उम्र बढ़ जाएगी तो कुछ सीखेंगे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि उपनिषद में आया नायमात्मा बलहीने न लभ्य, कमजोर व्यक्ति आत्मज्ञान को नहीं समझ पाता। देख, गाड़ी सीखने के लिए भी मना कर देंगे, तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम 65 साल के हो गए गाड़ी नहीं सीख पाओगे, 70 के हो गए गाड़ी नहीं सीख पाओगे, तुम्हारा जो है मगज है वो ढंग से नहीं देख पा रहा है, नज़र कम हुई है। तो इसी प्रकार से उपनिषद में कहा नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, आत्मज्ञान सुनने के सीखने के लिए राज्य को समझने के लिए भी ताकत चाहिए। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रह की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साहब जी, माताएं बहनें भाइयों, आज हम सब लोग जागनी यात्रा और US टूर के अंतर्गत ह्यूस्टन में एकत्रित होकर के हमारे धर्म प्रेमी राजू भावसार जी, बेला जी और सपरिवार और आप समस्त सुंदर साथ जी जो यहाँ पर बरसों से रह करके अपने कारोबार करते हुए, व्यापार व्यवसाय या नौकरी धंधा करते हुए श्री राज्य की भक्ति में लगे हुए हैं, आप सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। आज के दिन हम लोग श्री विपिन भाई जी को भी याद करते हैं, क्योंकि हमेशा वे मिलते रहे,
और भजन गाने में, सेवा पूजा गाने में, हर एक कार्य में अग्रगण्य भूमिका निभाने में उनका बहुत बड़ा साथ रहता था। पर जिसके जितनी आयु, जिसके जितने श्वास, राज्य ने इस संसार में जिसको जितने समय के लिए भेजा है, तब तक दुनिया में रहता है, दुनिया का खेल देखता है, खेल का आनंद भी लेता है और भक्ति का भी आनंद लेता है, फिर अंत तो गत्वा उसको उसी मूल मिलाव में जाना है जहाँ से आया है। जहाँ से हमारी आत्मा आई हमें वहीं लौटना है। तो उनकी पवित्र आत्मा भी राज्य के चरणों में पहुँच चुकी है, ऐसा हम लोग पूर्ण विश्वास रखते हैं। देखिए, मानव शरीर के विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। शरीर की 6 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले माता के गर्भ में यह शरीर आया, फिर जायते उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बढ़ना शुरू होता है ना, धीरे धीरे बालक बढ़ने लग जाते हैं, साल भर के, 2 साल के, 3 साल के, शरीर बढ़ते रहता है। 18-20 साल तक शरीर बढ़ते रहेगा, फिर 20-40 साल तक स्थिर रहेगा शरीर, एक जैसा ही बना रहेगा, कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि विपरिणमते कहते हैं ना, शरीर में थोड़ा थोड़ा कुछ परिवर्तन आने लग जाता है, काले काले सुंदर केस धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं। पहले एक केस का एक अंश सफेद होने से मन में थोड़ा दुख होता है, ओ ये तो और लोगों में होता था, मेरे में भी शुरू हो गया, पर ये तो संसार का नियम है, परिवर्तिनी संसार एक कहते हैं ना, संसार में परिवर्तन होते रहता है, आप में भी परिवर्तन हुआ। सुंदर चेहरा जो बचपन में हमने पाया, 20 साल तक जो बढ़ता रहा और 40 साल तक यथावत रहा, वो भी थोड़ा थोड़ा मुरझाने लग जाता है। ऐसे होते होते जब 60 साल के हो जाते हैं, फिर अपक्षीयते कहते हैं ना कोई अंग टूटने लग जाता है। सबसे पहले तो दांत ही टूट जाते हैं ना, आजकल तो 60 साल का भी होना नहीं पड़ता, पहले से ही बीमारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं और दांत से जितना काम होना चाहिए उससे ज़्यादा काम ले लेते हैं। फिर अपक्षीयते, उसका गिरना, उसका टूटना, उसका रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ऐसे आँखों में भी जालियाँ आ जाती है, कैटरेक्ट, उसका भी ऑपरेशन करा लो। चलना भी मुश्किल होता है, पाँव में भी दर्द, टांगों में दर्द, घुटन में दर्द, कमर में दर्द। तो इस तरह से शरीर हमारा बीमार होने लग जाता है धीरे धीरे। फिर 80 साल तक आप सोचिए, फिर उसके बाद 80 से 100 साल के बीच में विनश्यति, शरीर का अंत हो जाता है। ये शरीर धर्म है, इसको शास्त्रों में शरीर धर्म बताया गया। पर प्रणामी धर्म, प्रणामी संप्रदाय केवल शरीर धर्म में सीमित नहीं है, यह तो आत्मा धर्म में विश्वास रखता है ना। केवल हम शरीर नहीं है, शरीर तो हमारा है ना, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा है, हम तो विशुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, श्री राज्य के चरणों से इस खेल में आए हुए हैं,
राज्य का आदेश पालन करते हुए संसार में हमारा अवतरण हुआ है, इसलिए मैंने इस शरीर को धारण किया। राज्य का आदेश हुआ तो मैंने इस शरीर को धारण किया। तो शरीर को तो हम ऐसा समझते हैं जैसे घर को समझते हैं, ये घर मैंने लिया है तो घर मेरा है, घर को अच्छी तरह रखना, साफ सफाई से रखना, रंग रोगन लगा करके रखना, सुंदर रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरा घर है, मुझे इसमें रहना है। इसी तरह शरीर को भी तंदुरुस्त रखना, आहार देना, व्यायाम करना, योगा करना, प्राणायाम करना, शरीर को ठीक ठाक रखना, क्योंकि इसी शरीर से भक्ति होती है, इसी शरीर से सेवा पूजा होती है, इसी शरीर से धर्म किया जाता है, इसी शरीर से पुण्य किया जाता है, और इसी शरीर से परमात्मा को भी पाया जाता है। इसलिए शरीर को ज़्यादा सताना नहीं। कई कई लोग शरीर को सताते हैं ना, समय से खाना नहीं खाएंगे तो शरीर को सताने वाला कार्य हो गया ना। शरीर को तो आहार चाहिए, पर आहार समय से आपने नहीं दिया। शरीर को व्यायाम भी चाहिए, वो भी आपने नहीं दिया। शरीर को सोना भी चाहिए, वो भी आपने नहीं किया। कई कई लोग इस देश में आते हैं तो दो दो जॉब करते हैं ना, तो शरीर के साथ अन्याय हो जाता है। श्री प्राणीनाथ जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध इन विद हो वही जो जो सही सक करे भी। कहते शरीर को दुख मत दो। जिस गाड़ी में हम चलते हैं उसी गाड़ी को हम दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। समय से उसमें तेल नहीं डालते हैं, गैस नहीं भरते हैं, समय से उसको साफ सफाई हम नहीं करते हैं, सर्विसिंग नहीं करते हैं, तो गाड़ी कितने दिन चलेगी। ऐसे ही शरीर को ठीक ठाक रखना, समय से भोजन देना, समय से विश्राम देना, समय से इसको घूमने फिरने देना, ये भी बहुत ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ शरीर के अंदर जो चेतना है ना, उसको भी ऊर्ध्वगामी बनाना। क्योंकि अर्जुन ने गीता में पूछा कि हे श्री कृष्ण, जगत के जीवों का क्या होगा, इतने जीव जगत में जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनका क्या होगा। तो कृष्ण ने जवाब दिया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतगुणी होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, शांत स्वभाव वाले, ऐसे जो निर्गुणी लोग भी होते हैं, तीनों गुण को जीतने वाले ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था ऊपर के लोक में जाते हैं। ऊपर के लोग कहते हैं वो पितृलोक में भी जाएंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे, वैकुंठ में भी जाएंगे, जहाँ का उन्होंने ध्यान किया है। हम लोग परमधाम का ध्यान करते हैं इसलिए हम परमधाम ही जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, जिसके जैसी भावना वो वहीं पहुँचेगा, जहाँ जिसकी श्रद्धा। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, फिर कहा राजसी लोग जो होते हैं, ठाट बाँट दिखाने वाले, ज़्यादा रंग रूप दिखाने वाले, साज श्रृंगार करने वाले, दुनिया में ज़्यादा रमने वाले, ऐसे लोगों को राजसी कहा जाता है। मध्ये तिष्ठन्ति, इसी संसार में बार बार जन्म लेते रहेंगे। जघन्य गुण वृत्तिस्ता, जो तामसी लोग हैं, वो अनेक पाप कर्म, दूसरों को सताना, ठगना, चोरी करना, और किसी का वध कर देना, मार देना, आदि आदि वृत्ति, आदि आदि कर्म करने के कारण अधो गच्छन्ति तामसा, वो तामसी लोग अधलोक को जाएंगे, पाताल की ओर जाएंगे, नरक की ओर जाएंगे। ये श्री कृष्ण की शिक्षा है गीता में।
तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में तो ये बताया गया कि आप परम धाम का ध्यान करो, संसार की बुराइयों से दूर रहो। आप जानते हैं ना हमारी बीतक जो है, उस बीतक में प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार करते हुए विदेशों की यात्रा में भी निकले थे। पहली यात्रा में बसरा और बगदाद की उन्होंने यात्रा की, वहाँ के जिज्ञासुओं को जगाया। दूसरी यात्रा में निकले तो मस्कत और अब्बास गए। तो अब्बास में एक ठक्कर जाति का ही सेठ था, बड़ा धनाढ्य था, उसने काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर रखी थी। तो उसकी जागनी जब श्री जी महाराज करते हैं तो उस समय श्री जी ने जो सिद्धांत बताया वो समस्त प्रणामी धर्म का एक सिद्धांत है। मात्र प्रणामी का नहीं है, विश्व मानव भी उस सिद्धांत को अपनाए तो वे भी सुखी हो सकते हैं और उनको भी परम गति मिल सकती है। पीना तमाखू छोड़ दो, मांस मसली सब्बा, शराब और सब कै परदारा, चोरी नकब्बा, चोरी झूठ बोलना इनको छुड़ाया उदक का। प्राणनाथ जी ने सिद्धांत दिया क्योंकि सेठ तो हुक्का पीता था ना, और प्रवचन में भी हुक्का लेके आया। उसको एक अहंकार था कि महात्मा जी को मैंने बुलाया है, और उनकी अंगना जो बंधक बन करके आई थी उनको भी मैंने छुड़ाया है। हम जब आता है ना व्यक्ति में तो कभी कभी संत महात्माओं के आगे भी अहं का प्रदर्शन हो जाता है। तो श्री जी महाराज ने पहले ही कहा कि पीना तमाकू छोड़ दो, इसको तुम त्याग दो, और मांसाहार को भी त्यागो, शराब इत्यादि मादक पदार्थ को भी त्यागो। मातृवत परदारेषु, संपूर्ण माता बहनों को अपनी माता के समान इज्जत दे करके देखो। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, पंच वस्तु का निषेध कराया श्री जी महाराज ने। तो सेठ को ऐसा जोश आया, क्योंकि जोश आने से ही जीवन में परिवर्तन आता है, जोश नहीं आया ना तो कभी परिवर्तन आता ही नहीं है। तो उसने हुक्का को फोड़ डाला। ये अभी तक में हम लोग इतिहास सुनते हैं, और जीवन भर मैं इसको देखूंगा भी नहीं और ईश्वर मेरा ध्यान जाएगा भी नहीं। तो इस तरह से उसने अपनी रसोई में जा करके सब निरामिष शाकाहारी आहार बनाने के लिए आदेश दिया, और फिर अनेक मादक पदार्थ को भी उसने त्याग दिया। चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यापार भी अच्छा करेंगे, ये संकल्प उसने लिया। फिर तीसरे दिन श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा था कृष्ण के दर्शन होंगे एक महीने में, पर तीसरे दिन ही खड़ा होकर के कहता है आप साक्षात सदगुरु प्राणनाथ ही मेरे लिए श्री कृष्ण है, इसलिए अब कृष्ण आएंगे ऐसी प्रतीक्षा मेरी नहीं रहेगी, आपके हृदय में कृष्ण विराजे हुए हैं, तभी तो आप विदेश में मुझे समझाने के लिए आए। तो ये क्या है कि जीवन में परिवर्तन लाना, परिवर्तन लाने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसे तो शरीर में तो परिवर्तन आता ही है, पर विचारों में भी परिवर्तन लाना। कई कई लोग होते हैं ना कि विचारों में परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते हैं, अपनी रूढ़ी परंपरा उसी में लोग लगे रहते हैं, उसी में चलते रहते हैं। पर कुछ लोग सोचते हैं कि नए विचारों को धारण करें, नई सोच, नया चिंतन, नया ज्ञान, नवीनता आ जाए कुछ। तो नवीनता ढूंढने के लिए वाणी में हम पढ़ें, वाणी का पहरहन करें, तो उससे नवीन ज्ञान तो दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता है। जो श्री प्राणनाथ जी ने 25 पक्ष परम धाम का ज्ञान दिया है, इतना निराला ज्ञान है, इतना दिव्य ज्ञान है कि उससे परे तो कोई ज्ञान है नहीं। देखिए संसार में कितने साधु संत हैं ना। अभी आपको बताया गया कि हम लोग भी प्रचार प्रसार में इस देश में आते रहे, मुझे भी 34 साल से आने का अनुभव है, आप सब लोग मिल ही रहे तब से। बीच में 5 साल हम लोग नहीं आए, पर आज आप सबको देख करके ऐसा लगता है कि 1-2 साल में ही हम लोग मिले, 5 साल का अनुभव नहीं लगता है, क्योंकि सबके चेहरे खिले हुए हैं, पहले जैसे ही सारे के सारे लग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हमने घुमा दिया इस कोरोना महामारी के चलते, बाकी हम लोग साथ ही हैं ऐसा लगता है।
क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग मिलते जुलते ही रहे हैं। तो देखिए आजकल सोशल मीडिया में भी कितने सारे संत गुरुजन आते हैं, जिधर खोल करके आप देखिए कोई ना कोई प्रवचन करता हुआ नज़र आता ही है। पर सब लोग शरीर धर्म की बात, शरीर रक्षा की बात और मन को साधने की बात, इंद्रियों को साधने की बात करते हैं, पर मोक्ष के विषय में जहाँ चर्चा आती है तो सब लोग मौन धारण कर लेते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मोक्ष के विषय में 6000 चौपाय कहा। देखिए कोई आज तक बोल नहीं सका। वेद पुराण जितने भी शास्त्र हैं, कहीं एक श्लोक में, दो ऋचा में, चार ऋचा में ऐसे करके मोक्ष धर्म के विषय में बताया गया है। और बताने जब लगे तो ऋषि मुनियों ने ये भी कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा के विषय में हम बोलना चाहते तो हमारी बोली नहीं निकलती है। जैसे कभी कभी किसी को स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए ना, तुम भी दो शब्द बोलो, ऐसे गपशप तो करता है, मित्रों में बातें भी करता है, पर मंच पे माइक दे करके खड़ा करो तो बोली नहीं निकलती है ना, दिखता ही रहेगा, बोली गायब हो जाती है। तो ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हमने कर्म की बातें, उपासना की बातें, ज्ञान की बातें तो बहुत कई शास्त्रों में, पर परब्रह्म परमात्मा के विषय में हम बोलते हैं तो हमारी बोली लौट जाती है, क्या कहें क्या न कहें, ऐसी स्थिति आ जाती है। और हम मन से उनके स्वरूप के विषय में सोचना चाहते हैं तो मन भी उनके पूर्ण स्वरूप को ध्यान में नहीं उतार सकता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप तो सत चित आनंद से बना हुआ है ना, सच्चिद आनंद रूपाय। ऐसे परब्रह्म परमात्मा सत चित आनंद से परिपूर्ण है, तो सत चित आनंद का ध्यान नहीं हो पाता है। पर हम लोग तो सवेरे और शाम दोनों समय ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं कि हम जो सेवा पूजा करते हैं तो सुबेरे श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, तहाँ कंचन रंको सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। इसको धीरे से आराम से पाठ करें तो ब्रह्म का ध्यान, परब्रह्म का ध्यान हो जाता है। श्री राज जी का, श्री श्यामा जी का श्रृंगार, सेंदुरिया रंगड़ाव की साड़ी, श्याम रंगड़ाव की कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, श्री राज जी को श्रृंगार, सेंदुरिया रंगड़ाव को चीरा, आसमानी रंगड़ाव की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाव को इंजार, श्वेत रंगड़ाव को जामा, श्री युगल स्वरूप को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, समस्त साथ को प्रणाम। सुबह का ये ध्यान हमारा परब्रह्म का ध्यान हो जाता है। ध्यान करते हुए उनके थोड़ा सा अर्थ समझते हुए हम, क्योंकि आजकल तो अर्थ सहित भी हम लोगों ने सेवा पूजा छपा दिया है, फिर शाम को भी हम लोग सेवा पूजा करके स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर मैं भी बजे आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैलिए हाल, ये शाम के स्वरूप का ध्यान है। तो जिनको याद है वो तो स्वरूप का ध्यान करते हुए पाठ करें, जिनको नहीं है तो आप सेवा पूजा की गोटा देख करके भी पढ़ सकते हैं। तो सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान हो जाता है, श्री राज्य का ध्यान हो जाता है, और राज्य का ध्यान करने से फिर हमारी बोली निकलने लगेगी। जैसे आप देखिए कि राज्य का स्वरूप आपको दिख गया तो स्वरूप के विषय में आप बोल सकते हैं, इसलिए राज्य कैसे हैं अभी आपने सुना ना, नाम रूप लीला धाम। परमात्मा को जानने के लिए 4 चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जिसका हम ध्यान करते हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि हिंदू परंपरा में अनेक देवी देवता की पूजा होती है ना। आप जहाँ भी हिंदू मंदिर में जाएंगे, ये तो लाखों वर्ष पुरानी पद्धति है, फिर भी ध्यान तो एक ही का होगा। जैसे दुनिया में कितने सारे पुरुष होते हैं, परंतु विवाहित महिला के लिए पुरुष एक ही होता है ना, ऐसे ही आत्मा का भी पति प्राणपति प्राणेश्वर प्राणबल्लभ
एक ही परब्रह्म परमात्मा होगा तो उसका नाम क्या है। तो हमें मुश्किल नहीं हुआ, हमें तो सदगुरु ने बता दिया निज नाम श्री कृष्ण जी। अब क्या चाहिए, और कुछ जानना बाकी रहा ही नहीं। ज्ञातव्यम नावशिष्यते कहते ना, जानना कुछ बचा ही नहीं। उनका नाम हमने जान लिया, उनका नाम श्री कृष्ण जी है। वह अनादि है, अक्षरातीत है, दिव्य परम धाम में विराजमान होते हैं। उनके साथ श्यामा जी है, 12,000 सखियाँ हैं, ये सब हम लोगों ने जान लिया। फिर रूप के विषय में उनका रूप कैसा है, ऐसा जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, ये जो चौपाई हम पढ़ते हैं तो उनका स्वरूप सुंदर है, किशोर अवस्था में है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, वे चैतन्य स्वरूप है, सूर्य जैसा चमकता उनका वर्ण है, किशोर अंग प्रत्यज्ञ है, सच्चिद आनंद से देदीप्यमान है, निर्विकार है, उनमें कोई विकार है ही नहीं। सनातन मतलब हमेशा वो उसी रूप में बने रहेंगे, उस रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारे रूप में परिवर्तन आता है क्योंकि हम तो पंचभौतिक रूप लिए हुए हैं ना, राज्य का रूप सच्चिदानंद है, इसलिए कभी कोई परिवर्तन आता ही नहीं। एक रूप, एक रस, एक रंग, एक ढंग, उसी रूप में राज्य सदा बने रहेंगे। तो रूप के विषय में भी किशोर हैं ऐसा हमको पता लग गया। फिर कहते हैं लीला क्या करते हैं, हमारे जो मालिक हैं परब्रह्म परमात्मा वो कौन सी लीला करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, वो ब्रह्मानंद लीला करते हैं, वो ब्रह्म है, आनंदपूर्ण लीला किया करते हैं, सबको आनंद देना, सबको सुख देना, सबको खुशी से रखना, सबको हर्ष देना, ये राज्य का काम है। इसलिए आनंद स्वरूप है और आनंद ही वितरण करते हैं, ये उनकी जो है लीला हो गई। और उनका धाम कौन सा है, ऐसा करके भी चौथा प्रश्न आता है कि परमात्मा का धाम कौन सा है, क्योंकि हमारे विराट पद्धति में तो पितृलोक से धाम शुरू होते हैं। सबसे नज़दीक का धाम पितृलोक माना जाता है ना, मरने के बाद जो पितर हो जाते हैं उनके लिए एक लोक बना हुआ है। तो उसके बाद फिर स्वर्ग लोक आता है, बहुत सारे लोग स्वर्ग को धाम मान लेते हैं। फिर महरलोक, तपलोक, जनलोक, देखिए लोक ही लोक हैं। और सत्यलोक आता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तीन पुरियाँ भी आती है। फिर आगे गायत्री का धाम है, भगवान नारायण का धाम है, ज्योति स्वरूप है, प्रणव ब्रह्म है, अभ्याकृत ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म है, केवल ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, देखिए कितने सारे धाम ही धाम है। पर हमारा धाम तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, हमारा धाम परमात्मा का धाम परम धाम है, जिसे प्राणनाथ जी ने वाणी में निज धाम करके कहा है, आत्मा निजानंद का धाम निज धाम करके कहा। तो परम धाम ही हमारा मुख्य लक्ष्य है, ये चार चीज़ हम लोगों को याद रखना है, नाम रूप लीला और धाम। तो देखिए ये परिपूर्ण भक्ति है जो प्राणनाथ जी ने हमें बताई, क्योंकि ऐसे परिपूर्ण भक्ति आई कहाँ से। तो देखिए श्री देवचंद्र जी महाराज ने जीवन के 40 साल तक सब संप्रदाय में जा करके ढूंढा, सन्यासियों में ढूंढा, वैष्णवों में ढूंढा, कनफट्टे योगियों में ढूंढा, मस्जिद में जाकर के मुल्लाओं से भी पूछा, कहीं वो रुके नहीं, अनेक साधनाएं उन्होंने देखी। पर अंत में जाकर के उन्होंने देखा कि परमात्मा तो भक्ति में ही मिलते हैं, और सब साधनाएं जटिल है, कठिन है, पर एक भक्ति रूपी साधना ही सबसे सरल साधना है। ये समझ करके श्री देवचंद जी भक्ति साधना में लगे, श्रीमद् भागवत की भक्ति रूपी कथा का आस्वादन करने लगे। तो 40 साल के उम्र में उनको कृष्ण के साक्षात्कार हो जाते हैं, दर्शन भी मिलते हैं, तारतम्य भी मिल जाता है। उसके बाद देवचंद्र जी महाराज ने श्री निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म,
क्योंकि कृष्ण ने दर्शन दे करके एक धर्म चलाने के लिए आदेश दिया, इसलिए कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण का महामंत्र मिला इसलिए कृष्ण प्रणामी धर्म। और आत्मानंद की बात श्री कृष्ण ने बताई परम धाम की, इसलिए निजानंद संप्रदाय इस प्रकार से स्थापना उन्होंने की। तब से इस संप्रदाय की परंपरा विस्तृत होती जा रही है। और हम लोगों का भाग्य ही नहीं, परम सौभाग्य कहते हैं ना, भाग्य सौभाग्य कहते हैं ना, भागवत में और एक शब्द आता है अहो भाग्य भी कहते हैं ना, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति जिसको मिली उसका अहो भाग्य जाग गया, केवल भाग्य ही नहीं परम भाग्य सौभाग्य उससे भी परे का भाग्य। तो हम लोगों का भी अत्यंत भाग्य है कि हम लोगों ने गुरु कृपा से ये पाया या माता पिता की कृपा से। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि माता पिता ने आपको बताया आपने पा लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गुरु के प्रवचन सुन करके उनकी आत्मा जाग गई। और कुछ ऐसी भी बहनें हैं कि शादी ब्याह हो करके ऐसे परिवार में चल करके आई। कुछ बहनें ऐसी हैं कि यह परिवार में जो पाया अन्य परिवार में विवाह करके जाती है तो वहाँ भी उनको जगा देती है। तो ये अहोभाग्य वाली बात है। ऐसे अहोभाग्य का जब उदय हो जाता है तो हम लोगों को ऐसे परम धाम की परम भक्ति, उत्तम भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है ना, वे पतिव्रता भक्ति कहते हैं ना, अनन्य भाव की भक्ति। गीता में कृष्ण ने कहा अनन्या चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य हो जाता है उसका योग क्षेम मैं खुद बहन कर लेता हूँ, वो मेरा हो जाता है मैं उसका बन जाता हूँ, वो मेरे दिल में आ जाता है मैं उसके दिल में चला जाता हूँ, वो मेरे दिल में आकर के मेरा ध्यान करने लग जाता है मैं उसके दिल में जा करके उसका ध्यान करने लग जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में निजानंद संप्रदाय में हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं, गुरु कृपा से हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये ह्यूस्टन बहुत बड़ा शहर है, बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं और आप सब सुंदर साथ भी यहाँ रह करके समय समय पे मिलते हैं। हम लोगों ने एक बार जब से पहले आए तो यहाँ पर बीतक भी एक बार मैंने सुनाई थी, कुछ 8-10 दिन के लिए बीतक भी आपके समक्ष रखी थी। उसके बाद संत गुरुजनों का आना लगा रहा और एक बार हम लोगों ने श्री प्राणनाथ जयंती का विशेष कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किया था। सारे सुंदर साथ का यहाँ पर आगमन हुआ था, सुंदर कार्यक्रम हुआ था। अब क्या है कि प्राणनाथ जयंती को हम लोगों ने पूरे USA में हम लोगों ने शुरू किया, डिट्रॉइट से, फिर लॉस एंजलस में हम लोग गए 2 साल के बाद, उसके बाद न्यू जर्सी में किया, टोरंटो में किया, ह्यूस्टन में किया, शिकागो में किया, फिनिक्स में किया, डेनवर में किया, वाशिंगटन DC में किया, न जाने और भी बहुत सारे स्थानों में हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती का आयोजन किया। तो एक मेला जैसे नौतनपुरी का मेला, महामंगलपुरी का मेला, पद्मावतीपुरी धाम का मेला, मंगल धाम का मेला, यहाँ के सुंदर साथ इतना दूर से वहाँ सब भाग लेने नहीं जा सकते, कभी कभार सौभाग्य से जाएं। पर इसी देश में मेला आ जाए तो वही 3 पुरी धाम का मेला यहाँ भी अनुभव करने का मौका आप सबको मिलता रहा। और हम लोगों ने फिर जब डालास में हम लोगों ने प्राणनाथ जयंती का आयोजन किया तो उसके बाद हम लोग फिर नेशविल में जहाँ अपना मंदिर है वहाँ प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाने का निश्चय हुआ। उसके बाद ऐसी महामारी आई कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी महामारी भी दुनिया में आएगी और दुनिया ठप हो जाएगा, सारी दुनिया ठप हो गया, रुक गया, जहाँ आए वहीं ऐसी महामारी फैली कि बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं थी।
आप लोग भी घर घर में रहे और हम लोग भी आश्रम में बंद रहे, महीना दो महीना चार महीना, जब तक बाहर निकलने का आदेश न हुआ हम सब बंद रहे। और ऐसी महामारी के बहुत सारे हमारे प्रियजन, बहुत सारे हमारे, ऐसे तो हम मानवता से ही प्रेम करते हैं कि सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये महान विचारधारा लेकर के हम लोग चलते हैं कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। पर अब हमारे बस की बात नहीं है, रोग आना, मृत्यु आना, जिस जिसका समय आ गया था उस महामारी में बहुत सारे लोग चले भी गए, और उसके साथ साथ हमारा जो प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम है वो भी रुक गया। फिर तो मैंने सोचा कि अभी 5 साल तो होने आ रहे हैं, अगर सुंदर साथ को फिर से नहीं जगाएंगे तो ये विदेश का मेला जो है घूम घूम करके पालन करने वाला मेला तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इतना बड़ा मेला जीवन में उन्होंने कभी देखा है, तो जवानी में नहीं पालन कर सके तो थोड़े प्रौढ़ अवस्था आने के बाद तो खोजी करने लगेंगे, हम कौन है, कहाँ के हैं, क्या है, कुछ ना कुछ तो चेतना जागेगी, कुछ देखा है। आप लोगों ने बचपन में कुछ देखा है तो अभी जागृति आ रही है, उन्होंने भी कुछ देखा होगा तो उनमें भी जागृति आएगी। ये सोच करके फिर इस बार की जागनी यात्रा में मैं यहाँ पर आप सबके बीच आया और सब जगह मैं देख रहा हूँ, फिर कहाँ उपयुक्त होगा बताया जाएगा, ताकि हम अगले साल से फिर वही प्राणनाथ जयंती का मेला फिर से हम लोग चालू करें और एक दूसरे से मिलते रहे, जुलते रहे, जब तक जिंदगी है तब तक मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे के हितचिंतक बनना, कैसे हो, कहाँ हो, समझते रहना। और दूसरी बात है कि तू भूली तो मैं तुझे देऊँ तुरंत जगाए, मैं भूलूँ तो तू मुझे दीजो पल में बताए। श्री जी की वाणी है कि खेल देखते देखते कहीं भूल गए तो एक दूसरे को जगाना भी है। अरे सखी जगो जगो, ऐसा करते हुए सखी भाव से सबको जगाना है, ये जागनी का यही है संदेश। तो ऐसे संदेश को विस्तार करने के लिए फिर से हम लोगों को संगठित होना है, फिर से हमको सुदृढ़ होना है, फिर से हमको समय का सफल सदुपयोग करना है, जीवन का अर्थ और मूल्य हमें समझना है। तो इसी कार्य के लिए हम आए हैं और कल भी रहेंगे। कल हमारी राधिका जी है यहाँ पे, ये हैदराबाद से है और बचपन से ही भक्ति का अंकुर इनमें है, तो कल इनके यहाँ पे, बहुत पहले जब मैंने यहाँ आने का प्लान भी नहीं बनाया था, ये खुद कालिम्पोंग आई थी बीच में बच्चों को लेकर के, तो इन्होंने ही कहा कि जब ह्यूस्टन आ पाएंगे तो हमारे घर में सत्संग जरूर रखना। तो हमने वो दिन निश्चय किया, कल के दिन, परसों भी हम लोग हैं, परसों बंकिम भाई के यहाँ हैं और बंकिम संगीत आए तो भक्ति मार्ग में अपने लगे हुए हैं। तो उसके बाद भी जिस दिन मैं जाऊंगा वो भी मेरी रात की टिकट है 11 बजे, तो वो दिन भी सत्संग करके 4 दिन का सत्संग हम लोग करेंगे, तो आप सहभागी बनते रहेंगे, 4 दिन का मेला हम लोग मिलते रहेंगे और संबद्धम संगत सद्धम की तरह हम आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, राज्य का प्रसाद लेंगे, राज्य के यश और गुणानुवाद को गाते रहेंगे। तो आज पहला दिन था इसीलिए आज इतने में ही मैं रखना चाहूँगा, आप सबको प्रणाम करते हुए। आप लोग जरूर कल से भी इसी तरह आते रहेंगे और ये जो जागनी यात्रा है इसको सफल बनाने के लिए आप लोग सहभागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग मिलते हैं यूट्यूब में प्रणामी मीडिया, उसमें आप लोग जाएंगे तो हम कभी दूर नहीं होंगे, आमने सामने ही रहेंगे और परम धाम के उस रस वाणी का आस्वादन करते रहेंगे, जीवन को सफल बनाते रहेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम भी हम लोग YouTube से प्रसारित करेंगे और हमारे ह्यूस्टन के सुंदर साथ के दर्शन देश विदेश के सुंदर साथ करेंगे और आपस में एक दूसरे का परिचय भी हमारा बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पिया तुम हो तैसी अर्जी गाएंगे और अभी के कार्यक्रम को विराम देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की।
प्रणाम।